मुंबई पुणे हॉन्टेड हाईवे के कई सारे चर्चे आप लोगों ने आज तक सुने होंगे। यहाँ तक कि फियर फाइल्स और आहट जैसे खतरनाक भूतिया सीरियल्स में भी इस जगह का कई बार नाम लिया गया है। डेडिकेटेड एपिसोड्स तक बने हैं, लेकिन हम लोगों ने इस जगह के ऊपर कभी ब्लडी सत्य में कुछ डिस्कस नहीं किए थे। तो नमस्कार, आज के इस एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने मिकेश और दर्शन नाम के दो दोस्तों के साथ घटी हुई इसी हाईवे की एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोग अगर कुछ ही दिनों में कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ या अकेले, खासकर रात के सफ़र में, तो स्पेशल डर आप लोगों के मन में बैठ सकता है। तो भाई, कहानी की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज से ठीक 6 साल पहले, सन 2018 में, और जानते क्या हुआ था। दरअसल दर्शन और मिकेश दो पक्के वाले दोस्त थे। ये दोनों ने पुणे में रहकर अपनी पढ़ाई किए थे, रहने वाले ये लोग मुंबई के थे। इनके मैक्सिमम फ्रेंड्स जो थे वो पुणे के ही रहने वाले थे। एक दिन की बात है, पुणे के ही रहने वाले एक फ्रेंड का बर्थडे था। कौन सा जन्मदिन? 25वां जन्मदिन। वो बोलता है, भाई मेरा 25th बर्थडे है। वो पता नहीं क्यों वो लड़का हमेशा अपने 25वें जन्मदिन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। अब जब उसका 25वां जन्मदिन आया तो उसने ये सबको ऐलान कर दिया कि मैं बहुत बड़ा पार्टी देने वाला, बहुत बड़े पार्टी, मतलब हम एक प्रॉपरली रिजॉर्ट जैसा बुक करने वाले हैं पुणे के थोड़े आगे की तरफ, वहाँ पे रात भर एंजॉय करेंगे, तुम लोग समय में पहुँच जाना। तो मुंबई में रहने वाले ये दो ही लड़के थे, बाकी जैसा मैंने बताया पुणे के ही रहने वाले थे। तो दर्शन और मिकेश ने ये डिसाइड किए कि रात में 12 बजे से उसका बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू होगा, हम लोग एक काम करते हैं, रात में 9 बजे के आसपास मुंबई से निकल जाएंगे। कितना टाइम लगेगा? हद से 3 घंटा लगेगा। नॉनस्टॉप अपनी बाइक भगाकर लेकर जाएंगे। लेकिन मिकेश बोलता है, नहीं यार बाइक नहीं, एक काम करते हैं कार से चलते हैं। लेकिन दर्शन को बाइक चलाना बहुत ज़्यादा पसंद था। दर्शन एक तरीके से बाइकर था और उसको कार चलाना पसंद था। दोनों का यहाँ पर थोड़ा सा बातचीत क्लैश होती है और फिर आखिर में डिसाइड होता है कि चलो बाइक से ही चले जाएंगे। रात में 9 बजे जिस दिन जाना था उस दिन उन लोगों ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर से निकल पड़े। आज मुंबई के सिटी वाले एरिया में अच्छा खासा ट्रैफिक था, तो सिटी से बाहर निकलने में इन्हें टाइम लग गया। फिर ये लोग सिटी वाले एरिया को छोड़कर लगभग 45 मिनट बाद प्रॉपर हाईवे में पहुँचे। लेकिन पता नहीं कैसे आज हाईवे में ट्रैफिक नहीं था यार, नॉर्मली होता था। खैर, ये लोग मस्त मज़े में चला रहे हैं। ये जो मौसम था हल्की बारिश वाला भी था, तो रोड जो थी हल्की हल्की गीली थी, ऐसा लग रहा था कुछ समय पहले यहाँ पर बारिश हुई है, अभी माहौल शांत हुआ है। थोड़ी आगे जाने के बाद पता नहीं अचानक से ट्रैफिक कहाँ से प्रकट हो गया, मतलब इस हाईवे में लगभग और 45 मिनट चलने के बाद पता नहीं कहीं से जैम्ड, मतलब जाम था वो पूरा एरिया, ऐसा वाला ट्रैफिक प्रकट हो गया। दोनों को टेंशन हो गई कि क्या करें क्या करें। कितने में ही दर्शन मिकेश से कहता है कि देख यार, मुझे एक और रास्ता पता है, वहाँ से चल पड़े क्या? ये बोलता है, हाँ हाँ चल लेते हैं। फिर आगे बढ़ाते हुए ये कहता है कि यार हम उस जगह से तो जा रहे हैं, दर्शन ही बोलता है मतलब, लेकिन तूने उस जगह के बारे में सुना है ना? मिकेश बोलता है कि क्या सुना है? यही कि वो जगह भूतिया है। मिकेश बोलता है, हाँ बहुत सुना हूँ, कई किस्से कई बार लोगों ने मेरे सामने डिस्कस किए, लेकिन ये सारी चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुझे तो बहुत अच्छे से पता होगा। दर्शन बोलता है कि मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ता, चल वहीं से चलते हैं। गाड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ा दी और पर्टिकुलर उस रास्ते में अंदर एंटर कर दिए, जो एक्चुअली इनकी ज़िंदगी का एक रॉन्ग टर्न साबित होने वाला था। थोड़ी आगे जाने के बाद लगभग ये लोग मतलब 15 मिनट चले होंगे आगे, पीछे बैठे हुए मिकेश को दिखाई देता है कि लेफ्ट साइड में ही, रोड के लेफ्ट साइड में ही एक खंभे के पास व्हाइट कलर का कुछ गाउन सा पहन के कोई खड़ा हुआ है। गाड़ी चलते चलते उसके नज़दीक तक जाती है, वो देखते देखते उसको क्रॉस करता। ये जो कोई भी खड़ा हुआ था समझ में नहीं आ रहा था कौन है, ना चेहरा दिख रहा था ना प्रॉपरली काठी उसकी कद दिख रहा था, लेकिन जो शरीर की बनावट है वो समझ में नहीं आ रही थी। तो कन्फ्यूजन था, ये सचमुच में ही कोई इंसान खड़ा था या फिर ऐसा कोई पुतला जिसे कोई खेत वेत में खड़ा कर दिया जाता है कबूतर चिड़िया कौओं को भगाने के लिए। गाड़ी फिर थोड़ी और आगे बढ़ी, 5 मिनट बाद फिर से दिखाई दिया, ये देखते देखते आगे बढ़ गया। लगभग 4 बार ये चीज़ रिपीट हुई। जब 5वीं बार उसको फिर से ये दिखाई दिया तो पीछे बैठे हुए मिकेश को थोड़ा ही ऑकवर्ड लगा। दर्शन से बोलता है कि दर्शन,
तुझे भी वो वाइट वाइट पहना हुआ कुछ दिख रहा है क्या? साला वो इंसान है कोई या फिर भूत या फिर कोई पुतला? दर्शन कुछ भी नहीं कहता है, अपनी गाड़ी चलाते रहता है। पता नहीं क्यों आज काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चला रहा था। दरअसल जिस बाइक से ये लोग पुणे जा रहे थे वो एक नॉर्मल बाइक थी, वो कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी, वो 100 cc की एक नॉर्मल चलने वाली बाइक थी, वर्क बाइक जिसे कहते हैं। उसने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना एक्सीलेटर और बढ़ा दिया और भगाने लगा। लेकिन जब वापस से पाँचवीं बार उसको दिखाई दिया तो उससे रहा नहीं गया। बोला कि साले यहाँ पे पक्का हो गया है तो कोई पुतला खड़ा कर रहा है, लेकिन पुतले तो खेतों में खड़े करे जाते हैं, रोड साइड में क्या रीज़न है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्शन थोड़ी धीमी आवाज़ में ऐसा पीछे तरफ हट के मिकेश को कहता है कि देख भाई मिकेश, तुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ना फुल टू इग्नोर मार, ज़्यादा उस चीज़ की तरफ ध्यान मत दे, ठीक नहीं होगा। मैंने तुझे कहा भी था कि ये सड़क नॉर्मल नहीं है, लेकिन तूने हिम्मत दिया था तो हम लोग इस सड़क में एंटर किए थे। अब जो दिखाई दे रहा है मुझे वो कोई पुतला कोई इंसान नहीं लग रहा है, मैं भी बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ, तू भी। इससे बेटर है कि मन में भगवान का नाम लेते रहे, हम तेज़ करके यहाँ से निकाल लेते हैं। उसने बोला ठीक है भाई निकाल ले। पता नहीं दर्शन की ये दबी हुई आवाज़ और भयानक बात को सुन के मिकेश के मन में आज पहली बार डर सा लगा। मिकेश बचपन से ही एक ऐसा लड़का था जो ये सारी चीज़ों से बिल्कुल भी घबराता नहीं था, कभी भी वो ये सारी चीज़ों के ऊपर लिटरली विश्वास नहीं किया था। लेकिन आज वो कुछ ऐसा देख रहा था जिसके दिमाग में एक भ्रम पैदा किया था, इंसान पुतले या भूत का। खैर उसने दर्शन को पकड़ लिया और मानो कि अपना सर उसके पीठ में रखते हुए राइट साइड मुंह घुमा लिया, क्योंकि ये चीज़ जितनी बार भी दिखाई दे रही थी वो लेफ्ट साइड में ही चलते हुए दिखाई दे रही थी। इसलिए उसने अपने दोस्त को पीछे पकड़ कर ऐसा उसकी पीठ में ऐसा सर रख लिया और इधर उधर देखने लगा। थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद इसको कंधे में कुछ तो भी टच किया। ये घबरा गया कि बाज आ गया क्या, मतलब ऐसा था ना, ऐसा चल रहा था, ये बाइक चल रही है, इमेजिन करो मैं ही मिकेश हूँ ऐसा प्रकट चल रहा है, ऐसा कुछ किसी ने टच किया, ऐसा किसी का पंजा पैर जैसा आया, तो ये घबरा गया, ऐसा एकदम शेक किया। इसको ऐसा लगा बाज आके टच कर दिया क्या। देखो इंसान किसी चीज़ से डरे ना डरे, मैंने एक चीज़ नोटिस किया हूँ, बाज गिद्ध इनसे तो बहुत सारे लोग डरते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा शेक हो गया। उसने बोला कि क्या हो गया। दर्शन जो बाइक चला रहा था बोला मिकेश क्या हो गया, ऐसे अचानक से कांपा क्यों। मिकेश बोला नहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने टच किया है, कोई बाज था शायद। उसने बोला अच्छा। चलती हुई बाइक में उसने अपने वो जो बाइक का मिरर होता है उसको सेट किया, और जैसे ही सेट किया है पता नहीं उसने ऐसा क्या देखा, वो भी ऐसे एकदम झटका खा गया, अपनी एक्सीलेटर पकड़ा लिटरली एकदम फुल कर दिया। देखो इसको फास्ट बाइक चलाने की आदत थी, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बाइक्स बहुत महंगी महंगी बाइक्स भी चलाता था इसके पास थी, आज ये नॉर्मल बाइक से आ रहे थे, इसलिए इसको प्रैक्टिस थी फास्ट बाइक चलाने की। मैं इस वीडियो के ज़रिए फास्ट बाइक चलाने को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको घटना के बारे में बता रहा हूँ। तो उसने एकदम फुल एक्सीलेटर कर दिया। उसने बोला कि क्या हो गया भाई आराम से चला, ये बाइक इतनी स्पीड को नहीं झेल सकती है। बाइक चलाता हुआ दर्शन कहता है थोड़ी ऊंची आवाज में, क्योंकि अब बाइक बहुत तेज चल रही है, देख अभी जो कुछ भी तुझे टच करे जो कुछ भी तुझे दिखाई दे रिएक्ट मत करना, नहीं तो हम बाइक लेके कहीं पे भी घुस जाएंगे, अनकंट्रोल स्पीड में है बाइक। उसने बोला ठीक है। बाइक और 2 मिनट आगे गई होगी, लिटरली मैं मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, लिटरली पीछे बैठे हुए मिकेश को कोई ऐसा आता हुआ, उसने अपना चेहरा ऐसा ही अभी भी रखा था जैसे कोई ऐसा करके, ऐसा समझ लो मैं मिकेश हूं, मैंने बताया ना बाइक ऐसी चल रही है, मैं मिकेश बैठा हूं, यहां से कोई ऐसा आया और ये उसका फेस है, जैसे कि कोई उल्टा दौड़ के आया हो। जैसे मिकेश ने उसका फेस देखा जोर से चिल्ला दिया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। दरअसल वो चेहरा कहीं से भी नॉर्मल नहीं था, वो बड़ा भयंकर चेहरा था, लंबे से बाल थे मानो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा पार्ट जला हो, यहाँ का लगभग ठीक था और मानो होंठ और ये वाला हिस्सा था ही नहीं। वो जो कोई भी था उसने वही कपड़े वही कॉस्ट्यूम वही गाउन पहना हुआ था जो 5 बार इसको गाड़ी में लेफ्ट साइड में दिख गया था रोड के, ये वही था।
उसने जोर से चिल्ला दिया, दर्शन जल्दी चला, ये कुछ ठीक नहीं है। दर्शन इतना घबरा गया उसके ये बोलने पे, उसकी आवाज से दर्शन की धक 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 बाइक हो गई और वो घुस गया। किस्मत इतनी अच्छी, ये लोग जहां पर घुसे ना वहां पर रेत का ढेर था। पता नहीं ये रोड से रिलेटेड काम होने के लिए रेत आई थी या फिर क्या थी, बाइक उसी के ऊपर घुसी। लगा थोड़ा सा लगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं। ये लोग उठे, अपना झड़ाए हैं, पीछे देखे कुछ है तो नहीं। दोनों लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक हो जाकर। कितना डर लगेगा आप लोग खाली इमेजिन करके देखो। जल्दी से बाइक उठाए हैं, फट 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 5-6 बार अपना किक मारा बाइक का, बाइक स्टार्ट हुई और फिर भगाना शुरू किया। और एकदम तेज़ी से जाने के बाद और कुछ मिनटों बाद ये लोग उस रास्ते से बाहर निकल गए। जैसे उस रास्ते से बाहर निकले हैं और वापस से हाईवे में टच किए हैं, एक इन लोगों को साइड में ही, मतलब ये पूरा प्रॉपर जंगल वाला एरिया अब ख़त्म हो चुका था, थोड़ा साइड में ही एक रेली वाला, एक ठेले वाला दिखा, एक चाय की टपरी वाला था जो ठेले में चाय की टपरी वपरी लगाते हैं, उसके सामने रोक दिए। अभी भी बहुत कम रोड चल रही थी, एक पर्टिकुलर जगह पे ही ट्रैफिक जाम हुआ रहा था पीछे, उस कारण से इन लोगों ने रास्ता बदले थे। इस खतरनाक रास्ते से होते हुए उस ट्रैफिक को चकमा दे के ही आगे बढ़े थे। ठीक है, इन लोगों ने अपनी बाइक वहाँ पर रोक दिए। वहाँ पे पानी रखा हुआ था, पानी की एक बॉटल, पानी उठा के उन लोग मुँह धोने लगे। आईने में भी देखा कि कहीं चोट वोट तो नहीं लगी है। किसकी आईने में? बाइक के आईने में। कुछ चोट नहीं थी, सब ठीक था, थोड़ा सा यहाँ पे छिला हुआ था। उस आदमी से कहते हैं जो ठेले वाला था कि भाई चाय दे दो, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाए। उसके सामने नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चाय वाला चाय निकालते निकालते इन्हें बड़े अजीब तरीके से घूर रहा था। ये लोग उससे नज़रें चुरा रहे थे कि ये कुछ पूछे ना, हमको कुछ बोलना ना पड़े, नहीं तो पता नहीं कि वो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। इनको ऐसा लग रहा था, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। चाय निकाला और चाय इनको देते हुए कहा कि क्या हुआ बाबू साहब, कुछ तकलीफ में है क्या आप लोग? दोनों कहते नहीं नहीं कुछ नहीं, ज़रा सा क्या रोड ऐसी थोड़ी ख़राब है ना, और बारिश भी हुई है तो उसकी वजह से बाइक थोड़ी स्किड हो गई तो चोट आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। मतलब उसकी बात को इग्नोर करते हुए, लड़खड़ाते हुए, झूठ बोलते हुए इन्होंने वो बात काट दी है। अब चाय पीने लगे, लेकिन जब चाय ये पी रहे थे तो चाय का टेस्ट बहुत ही बेस्वाद था। इन लोगों ने बोले कि यार चाय में शक्कर नहीं है क्या? उसने बोला है ना साहब, और डाल दो क्या? रखा और एक चम्मच शक्कर डाल दिया दोनों के इसमें घोल के। फिर बोले क्या है ये चाय, तूने एक चम्मच शक्कर डाला है और कुछ भी टेस्ट नहीं आया, कुछ बदला ही नहीं है, और डाल, दो दो चम्मच और डाल। उसने दो दो चम्मच और डाला, पिए, फिर से टेस्ट वैसे का वैसे ही। अरे इतनी बड़ी गिलास में 3 चम्मच इसने ऊपर से शक्कर डाल दिया, टेस्ट बदला नहीं। बोले तू क्या नकली शक्कर रखा है क्या? इधर निकाल डब्बा, डब्बा दिया शक्कर का। इसने लिटरली, मिकेश ने 4-4 चम्मच और डाला। अब बड़ी हिम्मत करके पिया ही है, फिर से कोई टेस्ट नहीं। और ये हरकत इसलिए कर रहा था क्योंकि मन में ये घंटी बज रही थी, रास्ता सही नहीं है, हाईवे सही नहीं है, ये जो आदमी है चाय की रेली वाला ये भी नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो वो टेस्ट करने के लिए ये चीज़ किया था। जब पहले ही सिप इन लोगों ने लिए ना, वो 4 चम्मच और शक्कर डालने के बाद, तो थोड़े घबरा गए, रखे और बड़े कांपते हाथों से जो दूसरा वाला था, दर्शन ने अपना पर्स निकाला, पर्स से पैसे निकाल के उस आदमी को बढ़ाया ही है कि आदमी ने इन्हें देख के स्माइल किया, सिर्फ इतना ही बोला है, बाबू साहेब मैं पैसों का क्या करूँगा। इन लोगों ने वहीं पे पर्स वर्स फेंके, इतना ही सुन के कि बाबू साहेब मैं पैसों का क्या करूँगा, बाइक उठाएं, किस्मत से पहली किक में बाइक स्टार्ट हुई और फुल स्पीड से इसने वहाँ से निकाल लिया। अब लगभग 50 मीटर आगे बढ़े हैं, उसने भागते हुए बाइक से मिरर सेट करके पीछे की तरफ देखने की कोशिश किया, चाय की टपरी थी ही नहीं, कोई आदमी नहीं था। चाय की टपरी ऐसे हाईवे से ऐसे पलक झपकते हुए बाइक फुल स्पीड में 50 मीटर आगे बढ़ी थी,
और रेली कैसे गायब हो जाएगी? इन लोगों को समझ में नहीं आया। पीछे बैठे हुए मुकेश ने यही कह दिया कि दर्शन कुछ भी हो जाए, अब बाइक जब तक हम जहाँ जा रहे हैं नहीं पहुँच जाते, किसी कंडीशन में नहीं रोकना। नहीं रोके, बहुत तेज़ भगाते हुए ये लोग उस रिजॉर्ट तक पहुँच गए जहाँ पर पार्टी होने वाली थी। समय से थोड़ा सा लेट, क्योंकि बहुत कुछ हो गया था बीच रास्ते में, इसलिए समय थोड़ा चला गया था। रिजॉर्ट में जैसे ही पहुँच के इन लोगों ने जो मेन गेट था उससे घंटी बजाई है। गेट जैसे ही खोले, ये दोनों को देखकर गेट खोलने वाला लड़का जो कि इनका दोस्त ही था, इसी से रिजॉर्ट में सेलिब्रेशन के लिए आया हुआ था बर्थडे के, एकदम चौंक गया, हक्का बक्का रह गया। क्योंकि दोनों के ही, मतलब मुकेश और दर्शन, दोनों की ही नाक से और कान से खून बह रहा था, आँख से भी हल्का हल्का, मतलब यहाँ पे जो जैसे अपने कई बार पानी आ जाता है ना, वैसा खून था। वो तुरंत उनको खींच के अंदर ले गया। उसके बात करने के तरीके से, उसके हड़बड़ाने से सारे लोग अंदर से समझ गए, बाहर आए, अरे तुम लोगों क्या हो गया, क्या हो गया बोले। इतने में ही जो रिजॉर्ट का केयर टेकर था वो भी आ गया, बोला अरे साहब रुकिए, अब मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, पास में ही रहते हैं एक डॉक्टर। फ़ोन किए, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब आए और डॉक्टर साहब ने इनसे पूछे कि तुम लोग कुछ हो गया था क्या। डॉक्टर साहब को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बोले, सर हम ना दरअसल बाइक से आ रहे थे और हमारी बाइक ऐसा ऐसा स्किड हो गई थी और हम गिर गए थे, जिसकी वजह से शायद घबराहट होने लगी और ये हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोले बिल्कुल ऐसी चीज़ें कई बार डर में हो जाती हैं, एक्सट्रीम जब डर लगता है तब ऐसा होता है। डॉक्टर साहब को तो अंदर का मेन कांड पता ही नहीं था। डॉक्टर साहब इन लोगों को एक एक इंजेक्शन दिए उसी वक्त, अपने साथ लाए हुए थे डॉक्टर साहब ने, क्योंकि फ़ोन में बता दिया गया था ऐसा ऐसा हो रहा है। दवाई का डोज दिए और बोले आप लोग पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक मत करना, आने वाले 7 दिन तक ड्रिंक मत करना जब तक ये दवाई चल रही है। बिल्कुल भी कुछ पार्टी वार्टी में इन लोगों ने ड्रिंक विंक नहीं किए, सेलिब्रेशन किए, लेकिन वो चीज़ दिमाग से नहीं निकाल पाए। सेलिब्रेशन सिर्फ नाम का था, मैं क्या बोल रहा हूँ सेलिब्रेशन किए, सिर्फ नाम का ही ये लोग वहाँ पे इन्वॉल्व रहे होंगे, बाकी इनका दिमाग तो वहीं पर रहा होगा। फिर जब पार्टी ख़त्म हो गई, सब लोग लौटने लगे, तो पार्टी ख़त्म होने के टाइम पे इन लोगों ने बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया था, तुम लोग कभी मुंबई आओ तो उस रास्ते से मत आना, क्योंकि उस रास्ते में सचमुच में घटनाएं घटती हैं, सिर्फ सीरियल्स और फिल्म्स तक ही सीमित नहीं है वो जगह, एक्चुअली में इतनी खौफनाक है, जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ से उनकी ताकतें शुरू होती है। खैर ये लोग सेफली नॉर्मल हाईवे से अपने घर लौटे और अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करने की कोशिश की। आज इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन आज भी डर लगता है भाई, आज भी ऐसा बिना मतलब के, रात के टाइम तो ट्रैवल करते ही नहीं है, ना ही वो बाइक चलाने वाला बाइक लेकर निकलता है, लेके भी निकला तो रात में वो नहीं चलाएगा भाई, और ना ही ये कार चलाने वाला। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुकेश ने इंस्टाग्राम के ज़रिए लिखकर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आऊँ तो आप लोगों को एक अलग ही जानकारी मिल जाएगी और एक सीख भी। तब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना, और इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।